जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंडियन आर्मी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एग्जाम देने के लिए आपको सीटीसी कैंप करना कंपलसरी होता है। दोस्तों, काफी ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके मन में सवाल होता है कि बिना एनसीसी सीटीसी कैंप किए एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट का रिटर्न एग्जाम दे सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, उन सभी का डाउट आज के वीडियो में क्लियर करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा एनसीसी में तीन एग्जाम होते हैं, ए बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम होते हैं। जो ए सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है वो जूनियर डिवीजन के लिए होता है, एंड जो बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है वो सीनियर डिवीजन के लिए होते हैं। तो सबसे पहले ए सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। तो आप सभी को बता दूं, ए सर्टिफिकेट जूनियर डिवीजन में होते हैं। जूनियर डिवीजन बेसिकली 2 साल के होते हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर होते हैं। जब आप जूनियर डिवीजन के फर्स्ट ईयर में होते हो तो आपको कोई कैंप नहीं होता, आपको डेली परेड करने होते। लेकिन आप जब जूनियर डिवीजन के सेकेंड ईयर में चले जाते हो तब आप ए सर्टिफिकेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो, एंड ए सर्टिफिकेट के एग्जाम देने के लिए आपके परेड में मिनिमम 75% अटेंडेंस होने चाहिए, साथ ही आपने एक सीटीसी कैंप किए होने चाहिए। लेकिन अगर आपने सीटीसी कैंप नहीं किया, सीटीसी कैंप के जगह आपने कोई दूसरा कैंप, जैसे एटीसी आर्मी अटैचमेंट कैंप हो गया या आरडीसी टीएससी जैसे कैंप हो गए, अगर आपने वह कोई कैंप किया है तब भी आप ए सर्टिफिकेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। तो दोस्तों, चलिए आप बात करते हैं बी सर्टिफिकेट रिटर्न एग्जाम। तो दोस्तों, बी सर्टिफिकेट का एग्जाम सीनियर डिवीजन में होता है, एंड सीनियर डिवीजन 3 साल के होते हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर आपको कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, आपको बस रेगुलर परेड करने होते हैं, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने होते हैं। जब आप सेकेंड ईयर में चले जाते हो तब आप एलिजिबल होते हो बी सर्टिफिकेट के एग्जाम के लिए। लेकिन बी सर्टिफिकेट एग्जाम देने के लिए आपके परेड में 75% अटेंडेंस होने चाहिए, साथ ही आपने मिनिमम एक सीटीसी कैंप किए होना चाहिए। लेकिन अगर आपने सीटीसी कैंप नहीं किया, लेकिन उसके अलावा आपने कोई दूसरा कैंप किया है, जैसे आर्मी अटैचमेंट कैंप हो गया, एएलसी बीएलसी आरडीसी या टीएससी जैसे कैंप किया है, तब भी आप बी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होते हो। एंड साथ ही उसमें से कोई नेशनल कैंप अगर आपने किया है, कंप्लीट किया है, तो आपको उसका 25 मार्क्स बोनस के तौर पे बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए आप बात करते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जाम। तो सी सर्टिफिकेट एग्जाम देने के लिए आप एनसीसी सीनियर डिवीजन के थर्ड ईयर में होने चाहिए, एक सीनियर कैडेट होने चाहिए। साथ ही आपको बता दूं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट के एग्जाम देने के लिए आपके मिनिमम परेड में 75% अटेंडेंस होने चाहिए, साथ ही आपने बी सर्टिफिकेट क्लियर किया होना चाहिए, एंड मिनिमम एक सीटीसी कैंप तो भी आपने किया होना चाहिए, तभी आप सी सर्टिफिकेट का एग्जाम दे सकते, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। एंड अगर आपने सीटीसी कैंप नहीं किया, लेकिन उसके अलावा आपने कोई दूसरा कैंप किया है, जैसे आर्मी अटैचमेंट कैंप हो गया, एएलसी बीएलसी या टीएससी आरडीसी जैसे कैंप आपने किया है, तब भी आप एलिजिबल होते हो सी सर्ट के एग्जाम देने के लिए। साथ ही अगर आपने आरडीसी या टीएससी किया है तो उसका 50 मार्क, एंड अगर एएलसी बीएलसी एनआईसी ईबीएसबी जैसे कैंप किया है तो उसका 25 मार्क बोनस के तौर पर आपको सी सर्ट के एग्जाम में मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो था कि आप ए सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट के एग्जाम देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपने कितने कैंप या कौन से कैंप करने चाहिए। दोस्तों, अभी बात आती है मेन की, क्या बिना कैंप किए बिना अटेंडेंस के आप एनसीसी में सी सर्ट का या बी सर्ट का हो या ए सर्ट का एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, आप बिल्कुल भी एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने कोई भी या साल में एक कैंप नहीं किया तो आप चाहे ए सर्ट का एग्जाम हो या बी सर्ट का या सी सर्ट का एग्जाम हो, आपका एएनओ या आपका पीएसओ आपको बिल्कुल अलाउ ही नहीं करेगा एग्जाम देने के लिए, या आप बिल्कुल भी एलिजिबल उसके लिए नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी से अपने एनसीसी प्रिपरेशन शुरू कर दे, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप ज्यादा प्रेशर ना बने, एंड आप इजिली ए ग्रेड स्कोर कर सको, ए ग्रेड पा सको, एंड उसी प्रिपरेशन को तेजी से एंड अच्छे से करने के लिए मैं आप सभी को एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि चक्षु प्रकाशन की एनसीसी हैंडबुक है, जो कि 2024 में काफी अच्छी बुक माना जाता है प्रिपरेशन के लिए, एंड यहाँ ए बी सी तीनों सर्टिफिकेट के लिए काफी अच्छा बुक है। इसमें आपको सारे टॉपिक के डिटेल वाइज सिलेबस मिल जाएंगे, उसके आंसर मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द इस बुक को अमेजन या फ्लिपकार्ट से परचेज कीजिए, अपनी तैयारी को तेजी से कीजिए। साथ ही इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी बुक को परचेज कर सकते हो एंड अपने प्रिपरेशन को तेजी से कर सकते हो। एक बार आपको फिर बता दूं, बुक का नाम है चक्षु प्रकाशन एनसीसी हैंडबुक, जो कि ए बी सी तीनों सर्टिफिकेट के लिए है। तो जल्द से जल्द बुक को परचेज कीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं, वीडियो अगर अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लक्ष्य इंडियन आर्मी चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आगे देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।